अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? आप सब दोस्तों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। मैं तो ये कहूँगा कि ये सदका जारिया है, आप इस वीडियो को पूरी देखें और अपने सब दोस्तों को शेयर भी करें। हादसा ये पेश आया है कि 2 हफ्ते पहले मेरे भाई के दोस्त की शादी हुई। वो लड़की अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। तो पिछले हफ्ते जब वह नहाने गई और बहुत देर तक बाहर नहीं आई, तो घर वालों ने दरवाज़ा खटकाया, कोई आवाज़ नहीं आई। जब दरवाज़ा तोड़ के देखा तो उसकी डेथ हो चुकी थी। वो फर्श पे पड़ी हुई थी और गीजर चल रहा था। फिर आखिरकार हम इस नतीजे पहुँचे कि उसकी मौत का सबब ईस्टर्न गीजर था। ईस्टर्न गीजर बाथरूम के अंदर ही लगाया हुआ था। कहा जाता है कि ईस्टर्न गीजर को कभी भी बाथरूम में नहीं लगाएं, बाहर की तरफ लगाएं जहाँ पे वेंटिलेशन हो। तो उनका ईस्टर्न गीजर एकदम ही वॉश बेसन के ऊपर लगा हुआ था। फिर हमने और लोगों से बात की तो उन्होंने ही बताया कि हमारे अजीजों की भी इसी तरह डेथ हो चुकी है ईस्टर्न गीजर की वजह से। फिर मैंने नेट पे बहुत रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ईस्टर्न गीजर का नाम साइलेंट किलर दिया गया है। जब ये जलता है तो इसमें से मोनोऑक्साइड खारिज होती है, जिसकी ना तो कोई बदबू होती है ना कोई कलर होता है, और ये विद इन सेकेंड इंसान के दिमाग को शैल कर देती है। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले और अवेयरनेस आए। लोग अपने बाथरूम में लगा देते हैं, यहाँ तक कि जो प्लम्बर लगाने आता है उसको भी कुछ नहीं पता होता। इसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।